हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं वीवो का हैंडसेट आया हुआ है जो कि बैड कंडीशन में है। तो ये कुछ भी शो नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। मैंने मीटर को बजर मोड पे सेट कर लिया है। तो फ्रेंड, ये शॉर्ट दिखा रहा है, हाफ शूटिंग, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए था लेकिन 422 रीडिंग आ रहा है। शॉर्ट है, आप शॉर्ट है। चलिए इसको यहाँ पे डीसी मशीन में आपको दिखा देता हूँ। ऑटो रीडिंग ले रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ऑटो रीडिंग 27 पे रुक रहा है, ठीक है। ये देखो हटा दिया मैंने, अब इसको दोबारा से कनेक्ट किया तो ठीक है ऑटो रीडिंग। तो फ्रेंड, मैंने मीटर को बजर मोड पे सेट कर लिया है। टाइम हो गो 3:30 हो गए।
में आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमें कहीं से कहीं कैपेसिटर या रेजिस्टेंस शॉर्ट नजर नहीं आ रहा, तो हम इसका ये पावर आईसी को निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। फ्रेंड हमें 1000 के ऊपर जो रीडिंग मिलनी चाहिए थी वो मिल गई, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब हम इसका जो पावर निकाला है इसका दूसरा पावर लगाएंगे। जो हमारा शॉर्ट वाला प्रॉब्लम है वो तो अभी है नहीं, लेकिन हमारा फोन अभी भी चालू नहीं हुआ। हम एक बार डीसी मशीन में फिर से चेक करेंगे। अब जो हमारा फोन है
क्या रेटिंग दे रहा है। तो फ्रेंड हमारा जो ऑटो रीडिंग ले रहा था फोन वो अभी नहीं ले रहा, मतलब कि शॉर्ट तो हमारा फोन नहीं है लेकिन ये ऑन भी अभी नहीं हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे पावर प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ तक जो रीडिंग आती और वापस बैक होता है। तो फ्रेंड मैंने जैसे कि कंप्यूटर पे कनेक्ट किया लेकिन यहाँ पे कोई पोर्ट शो नहीं कर रहा। ठीक, तो इसका मतलब जाहिर है कि इसके सीपीयू में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड हम एक बार इसका सीपीयू रिवॉल्व सीपीयू एमएमसी रिवॉल्व करते हैं। अरे देख तो भाई मशीन में कुछ भी ना दिखा, मशीन में सही दिखा रहा था नींद आ गया, मैं खुद ही चेक कर लिया इसी वाला भी चेक कर नींद आ गया नींद वो देखो क्या सेट लाइट वगैरह खुल गया। फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने बोर्ड को क्लीन किया कर लिया और आप देख सकते हो कि हमारा एक भी प्रिंट मशीन नहीं हुआ। तो आपको इसी तरह से अगले काम करना है। एमएमसी को क्लेम करके रिपोर्ट करेंगे। फोन कर मैं सार पड़ता
तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने सीपीयू एमएमसी रिबॉल कर लिया है। अभी हम इसको बोर्ड में फिक्स कर देंगे। सीपीयू फिक्स हो चुका है, अभी हम इसका एमएमसी भी फिक्स कर लेंगे। जो सीपीयू लग चुका है उसके ऊपर हीट ना लगे, इस वजह से हम इसको पतरे से सेफ्टी कर देते हैं। ठीक है,
वृंदावन से बोर्ड को फिक्स करके देखेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेट ऑन हो चुका है। Vivo y81 फाइनली रेडी। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं इसमें जो प्रॉब्लम मेरे पास आया था ये हाफ शॉटिंग में, तो इसका हमने शॉटिंग निकाला, पावर आईसी चेंज की और उसके बाद सेट ऑन नहीं हुआ, शॉटिंग तो निकल गई लेकिन फिर भी ऑन नहीं हुआ। तो हम इसका CPU प्लस EMC दोनों को रिवोल्व किया तो सेट वर्किंग कंडीशन में आ गया। ठीक है सर,